नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस और डिफेंस की खबरों से अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहां पर अगर सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वह रही है पुलवामा हमले को लेकर। जी हां, पिछले साल 14 फरवरी को वो भयानक दिन जब अपने वीर जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। आत्मघाती हमलावरों ने काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों को देश ने खो दिया था। देश के लिए शहीद हुए इन 40 जवानों के लिए भावभीन श्रद्धांजलि। दोस्तों यहां पे अगली खबर बीएचईएल को लेकर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य की बीएचईएल ने बुधवार को कहा कि उसने रोसबोरोन एक्सपोर्ट रूस के साथ सहयोग और रक्षा प्रणालियों के लिए परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएचईएल ने कहा कि पांचवें भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन के दौरान इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन यानी कि दोस्तों एमओयू का जो उद्देश्य है वो रक्षा प्रणालियों के लिए संयुक्त परियोजनाओं और संचालन में सहयोग करना है। साथ ही बीएचईएल ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत रूसी ओईएम के साथ रक्षा क्षेत्र में बीएचईएल की क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद करेगा और भारतीय रक्षा बलों को स्वदेशी समर्थन और समाधान भी प्रदान करेगा। दोस्तों यहां पे अगली खबर एनएसजी को लेकर आ रही है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को लेकर। एनएसजी के महानिदेशक ने सीआरपीएफ के साथ देश की एलीट फोर्स के विलय के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। एक सवाल का जवाब देते हुए डीजी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि एनएसजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और उम्मीद है कि ये एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में काम करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को 1984 में आतंकवाद विरोध और अपहरण विरोधी कर्तव्यों के जनादेश के साथ उठाया गया था। एनएसजी एक आकस्मिक विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स है जो अपने सभी अभिव्यक्तियों में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए सक्षम है। एनएसजी विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने में विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित एक सेना है, इसीलिए आतंक के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जेट प्लस सुरक्षा प्रदान करके देश के वीवीआईपी को सुरक्षित करने का काम उन्हें दिया गया था, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसजी को वीआईपी सहित वीवीआईपी की सुरक्षा से हटाने का फैसला किया। इस कदम को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि वह चाहती है कि ब्लैक कैट कमांडो आतंकवाद रोधी अभियानों से निपटने के लिए अपने मूल व्यवहार पर वापस जाएं। दोस्तों यहां पे अगली खबर भी पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से अफवाहें फैल रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय सेना पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि प्रवक्ता ने इस कार्रवाई का कोई ठोस कारण नहीं बताया है। दरअसल बात जो असली है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो प्रवक्ता है उन्होंने भारत और अमेरिका की उस सैन्य डील का विरोध किया है जिसके तहत भारत को एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। पाक के प्रवक्ता ने कहा कि इसे दक्षिण एशिया में एक बार फिर से हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को 18 अरब डॉलर में एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की मंजूरी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान को कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों यहां पे अगली खबर भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। जी हां, करीबन 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वियतनाम के लिए बनाई जा रही पहली हाई स्पीड गश्ती नाव सितंबर तक उनको दे दी जाएगी। इस बारे में जेडी पाटिल जो कि निर्देशक और वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष है लार्सन एंड टुब्रो के, उन्होंने बताया। हनोई ने सितंबर 2014 में एलओसी के तहत अपनी सीमा रक्षक बल के लिए 12 ऐसी नौकाओं की खरीद कर रहा है। हमें इस सितंबर तक उन्हें अपनी पहली नाव प्रदान करनी है। 5 नाव एलएनटी द्वारा बनाई जाएंगी जबकि बाकी की जो नाव है वो यानी कि बाकी की जो वेसल्स हैं वो वियतनाम में बनाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 2021 के मध्य तक इन नौकाओं को पूरी तरह से वितरित कर देंगे। साल 2016 में भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन का एक और रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है और उपकरणों की पहचान के लिए चर्चा भी चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो डिफेंस सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि वियतनाम सरफेस टू एयर सिस्टम और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में भी रुचि व्यक्त कर रहा है, यानी कि वो इन दोनों चीजों को भी अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट को भी बढ़ाया है और इसका एक हिस्सा नौसेना के जहाजों के लिए भी है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान और तुर्की को लेकर आ रही है। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन पाकिस्तान के 2 दिनों की यात्रा पर आए हैं। एर्दोगन ने कहा कि वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक साथ खड़े हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी शामिल किया हुआ है। अगर पाकिस्तान
एफएटीएफ की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ की अगली बैठक पेरिस में होने वाली है। ऐसे में तुर्की, चीन, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे सहयोगी देश पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं कि उसको ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए न्यूनतम 3 वीटो की आवश्यकता होती है। यदि ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसे ऐसे समय में प्रतिबंधों और आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी आप सबको मालूम है कि इसकी अर्थव्यवस्था यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई जानकारी या आपका कोई प्रश्न या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।